हाय, माय नेम इज समाद अली और हमारे कोर्स जावा फॉर बिगनर्स के आज का टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा और उसके जो बिहेवियर्स हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होंगे। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाए या डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लग जाए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो हम उसको बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये आपने अक्सर सुना होगा, पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन बिहेवियर्स। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के मैनी बिहेवियर्स हैं तो हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। बेसिकली होता है इसमें ये है कि हम पेरेंट क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं, यानी कि वेरिएबल जो है वो पेरेंट क्लास का क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको जो ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं वो किसी चाइल्ड क्लास का असाइन करते हैं। और जिस चाइल्ड क्लास का हम रेफरेंस असाइन करते हैं, हम उसके साथ जो एसोसिएटेड फंक्शंस हैं वो भी वही कॉल कर सकते हैं जो उस चाइल्ड के अंदर डिफाइन होते हैं। लेकिन चूंकि हम पेरेंट के रेफरेंस के थ्रू चाइल्ड के फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, तो पेरेंट को पता होना चाहिए चाइल्ड के अंदर कौन कौन से फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंटरफेस के अंदर कि पेरेंट को कैसे पता हो सकता है चाइल्ड के अंदर कौन से फंक्शन है। अगर वो पेरेंट उनको एब्स्ट्रैक्ट कर दे तो चाइल्ड के लिए मस्ट है कि उनको डिफाइन करे। तो तब जो फंक्शंस चाइल्ड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो पेरेंट को उनका पता होगा। तो पेरेंट बेसिकली फंक्शंस अपने कॉल करेगा जो उसके पास एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ही कॉल करेगा जिस चाइल्ड को उसके वेरिएबल के अंदर रखा गया होगा। अमूमन हमारा जो पेरेंट होता है वो यहाँ पे इंटरफेस होता है, क्योंकि इंटरफेस ही बेस्ट वे है जो कि सारी कन्फ्यूजन को हमारी दूर कर सकता है और कन्फर्मेशन दे सकता है कि चाइल्ड के पास जो फंक्शंस अवेलेबल, जो चाइल्ड है उसने पेरेंट के उन फंक्शंस को कन्फर्म किया है कि वो उसको डिफाइन करेगा। क्योंकि हम चाइल्ड के तमाम फंक्शंस को पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जिनका जो पेरेंट में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब पेरेंट में चाहे तो वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, चाहे वो पेरेंट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो, तो किसी भी तरीके से अगर वो पेरेंट में एग्जिस्ट करते हैं तो हम चाइल्ड के उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं पेरेंट के वेरिएबल के थ्रू, अदरवाइज हम उसको कॉल नहीं कर सकते। आइए हम इसको नेटबीन के ऊपर भी देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसकी बिल्कुल सिंपल सी है और हम वही एग्जाम्पल लेंगे जो कि हम ऑलरेडी इंटरफेस में ले चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही एग्जाम्पल है जो इंटरफेस में है। शेप का हमारे पास एक इंटरफेस है और हमारे पास एक सर्कल की क्लास है और एक हमारे पास स्क्वायर की क्लास है। तो ये बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल है जो कि हम उसमें देख चुके हैं इंटरफेस में, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम डिफरेंट चीज़ करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे डिफरेंट है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे शेप का और इसको हम असाइन करेंगे, सॉरी वेरिएबल का नाम नहीं डिफाइन किया, एस हमने वेरिएबल डिफाइन किया है और इसको हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे किसका, सर्कल का। तो आप देख सकते हैं कि ये इसको असाइन हो जाएगा। तो ये जावा के अंदर इस चीज़ को अलाउ करता है कि पेरेंट का रेफरेंस किसी भी चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर होल्ड कर सकता है। अगर मैं इसको किसी और क्लास का, किसी भी और क्लास का, लेट्स से स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसको दूंगा, सॉरी यहाँ पे न्यू कर लेते हैं, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इसका चाइल्ड नहीं है या उस वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसको सर्कल दूंगा इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह अगर मैं इसको स्क्वायर दूंगा तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है जी। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ डिफाइन कर देता हूँ, एक हम इसको बना लेते हैं यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। सर्कल के लिए हम कह देते हैं जी
सर्कल, और यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, इंट आर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू, ताकि हमें बार बार जो है वो उसके अंदर वैल्यूज़ अलहदा से साइन ना करनी पड़े, हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही डिफाइन कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास स्क्वायर आ गया, हम इसके अंदर इंट एल वेयर लेंथ इज इक्वल टू, तो इससे हमारा ज़रा कोड थोड़ा सा कम हो जाएगा और हमें काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चूँकि डिफाइन कर दिया, तो अब इसे कहीं ना कहीं पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। नेट से मैं वही वैल्यू देता हूँ जो मैंने इंटरफेस की दफ़ा में दी थी 20, और जब मैं एस डॉट कैलकुलेट एरिया कॉल करूँगा तो बेसिकली वो क्या करेगा, मुझे एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। मैं इसको किसी डबल वेरिएबल में ले लेता हूँ, और उसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैं एरिया, सॉरी, इसकी वैल्यू चूंकि नल है, कोई वैल्यू साइन नहीं की हमने, तो इस वजह से ना हमने इसकी वैल्यू साइन कर दी है। अब हम जब इसको चला के देखेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अभी तक तो ये बिल्कुल सादा सी चीज़ है, तो अभी अब देखते हैं कि हम इसको अब इसी एरिया को असाइन करते हैं एस डॉट, सॉरी इससे पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, एस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूँ और उसको एस इज इक्वल टू कर दूँ, इससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों स्टेटमेंट के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट को इसलिए दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूँ तो अब मुझे इस सर्कल के अंदर कुछ वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वो क्रिएट कर दिया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो इसके अंदर लेट से मैंने 5 पास कर दिया, और उसके बाद मैं ये जो मैंने दो लाइनें लिखी हैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है, तो इट्स मीन कि इनके दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं है, सवाए इसके कि मैं स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे सर्कल लिख दूँ, बाकी और मैंने कोई चेंज नहीं किया। तो इसको चला के देखते हैं तो ये बेसिकली क्या करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर भी दे रहा है और एरिया ऑफ सर्कल भी दे रहा है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि एस डॉट कैलकुलेट एरिया जब मैंने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया तो उसने मुझे कुछ डिफरेंट रिजल्ट दिया, लेकिन यही स्टेटमेंट एस डॉट कैलकुलेट एरिया जब मैंने दूसरी दफ़ा कॉल किया तो उसने मुझे बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट दिया। तो इट्स मीन के एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने जो फंक्शन कॉल किया है वो मुझे दो डिफरेंट बिहेवियर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट पास कर दिया था, यहाँ पे मैंने सर्कल पास किया और यहाँ पे मैंने स्क्वायर पास किया। सो इस चीज़ को बेसिकली हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इससे हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि वंस अगर हम जो कोड कर चुके हैं हमें उसको चेंज नहीं करना पड़ता, हम बेसिकली उस कोड, अगर हम यही काम अगर हमने इफ़ कंडीशंस के थ्रू करें कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट स्क्वायर होगा तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, और अगर हमारे पास सर्कल होगा तो हमने कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो आप देख सकते हैं इफ़ कंडीशंस लगेंगी, और अगर ये हमारे पास मोर देन 100 इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज़ आ जाए तो हमें 100 इफ़ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, और अगर किसी दिन नया कुछ सिनेरियो आ जाता है तो हमें फिर इफ़ कंडीशन अपडेट करनी पड़ेगी। हम एग्जिस्टिंग कोड को अपडेट करते रहते हैं, तो हमें एग्जिस्टिंग कोड को अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे से हमें जो चीज़ भी आ रही है हमने उसको असाइन कर देना है किसको, एस को। एस को जो चीज़ असाइन होगी और उसके अंदर बिहेवियर जिस तरह इम्प्लीमेंट हुआ होगा वो उसको कॉल कर देगा, हमें किसी लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की ज़रूरत
नहीं रहेगी। तो ऑल दो कि यहाँ पे जो अभी हमने एग्जाम्पल देखी है उसमें शायद हमें कोड इतना रिड्यूस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारा कोड जो है वो इससे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। ठीक है जी, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इतना ही, अब बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।